अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। मॉडर्न बायोलॉजी जी का ये हुआ केड़िन केड़िन शयन से ताल्लुक रखे थी, जानदार शयन जे केड़िन केड़िन शयन से उन्हनि जे कहिड़नि फंक्शन्स सां तालुक़ु रखे थी, त उहे आहिनि उन्हनि जो स्ट्रक्चर, शिकल, उन्हनि जो फंक्शन, उन्हनि जो कमु कहिड़ो आहे, ऐं ॿिया ॿियूं केतिरियूं ई डिस्क्रिप्शन्स आहिनि उन्हनि जे बारे में, ॿियूं केतिरियूं ई वज़ाहतूं आहिनि जिन जे बारे जिन सां उहे मॉडर्न बायोलॉजी तालुक़ु रखे थी। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th century हैज़ लेड टू द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचिस। हाणे 20 सदीअ में जेके रिसर्चूं थियूं आहिनि, नयूं नयूं रिसर्चूं थियूं आहिनि, उन्हनि जे ज़रिए बायोलॉजी खे अञा स्पेशल ब्रांचिस में विरिहायो वियो आहे। मतिलबु उन्हनि में स्पेशलाइज़ेशन रखी वई आहे। सम इम्पोर्टेंट ब्रांचिस आर डिफाइंड बिलो। कुझु हेठि ॾिजन थियूं, ॾिसी वठो। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ ग्रीक वर्ड आहे, मॉर्फ, मॉर्फ जी माना आहे सूरत, फॉर्म, ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे लॉगस, लॉगस जी माना आहे डिस्कोर्स, मतिलबु उनखे खोलणु, उन जी नॉलेज हासिलु करणु, उन जे बारे में सम्झणु। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गनाइज़म्स। मॉर्फोलॉजी मतिलबु त काई बि शइ तव्हां ॾिसंदव, हे बुक आहे, बुक कीअं आहे, रेक्टेंगल, ठीकु आहे, हे बुक जी शकल कहिड़ी आहे, स्ट्रक्चर कहिड़ी आहे, रेक्टेंगल आहे, ठीकु आहे। ऐं हिन में केतिरा पेजिस आहिनि, खोले ॾिसंदासीं, हिकु हिकु पेज अलॻि थो थिए हिन जो, हिकु हिकु पनो अलॻि थो थिए, पेपर अलॻि थो थिए, त उन में केतिरा पेजिस आहिनि उहा बि असांखे ख़बर पइजी सघे थी। मतिलबु त हिन जी सूरत जे बारे में पढ़ियो वञे, ठीकु आहे। एक्सटर्नल फॉर्म, हिकु एक्सटर्नल फॉर्म ऐं हिकिड़ो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गनाइज़म ऐं उन जी सूरत, उहो ठहियलु कीअं आहे, उन जी बनावट कहिड़ी आहे। एक्सटर्नल फॉर्म मतिलबु मथां वारो शकल ॾिठी वेंदी आहे सिर्फ़, ऐं स्ट्रक्चर जेका हूंदी आहे उहा पूरी बनावट ॾिठी वेंदी आहे, त उहा कंहिं बि जानदार जी थी सघे थी, चाहे नंढो में नंढो हुजे, चाहे वॾो में वॾो हुजे, उनखे असां मॉर्फोलॉजी चवंदा आहियूं। अचे थो हाणे एनाटॉमी, हीअ बि ग्रीक वर्ड मां वरितल आहे, एना मीन पार्ट, ठीकु आहे, कोई बि हिसो, एना मीन्स कोई बि हिसो, टॉम मीन कटिंग, टॉम मीन कटिंग, इनखे गॾिजी करे चइजे थो एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गनाइज़म्स बाय कटिंग देम ओपन, कटिंग देम ओपन, कंहिं बि असां नंढिड़े जानदार खे खणंदा आहियूं उन ते रिसर्च करण जे लाइ, उनजी असांखे कटिंग करणी पवंदी आहे, उनजा अंदरां वारा उज़वा ॾिसणा पवंदा आहिनि। फ़र्ज़ु कयो कंहिं जीत जी, जीत खे असांखे जाचणो आहे, कोई नई उनजी स्पेशी थी मिले, उनखे जाचणो आहे, त ज़ाहिर आहे उनखे असां कटींदासीं, ऐं पोइ उन में असां अंदरि ॾिसंदासीं उनजा कहिड़ा कहिड़ा ऑर्गन्स आहिनि, कहिड़ी स्पेशी आहे, कहिड़े जीनस सां मिले थी, तॾहिं असांखे ख़बर पवंदी त उहे कहिड़े क़िस्म जो जीत आहे, या ईअं ई कोई वॾो जानवर बि थी सघे थो, उनजी बि असां एनाटॉमी कढी सघूं था। मतिलबु उनखे चीर फाड़ करे अंदरनि उज़वनि जे बारे में पढ़ूं, त उनखे असां चवंदासीं एनाटॉमी। हाणे सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी वर्ड मां ई ज़ाहिर आहे, त सेल जे बारे में पढ़णु सेल बायोलॉजी थी वियो। ऐं हे आहे लैटिन एल जेका ॾिनल आहे, लैटिन लैंग्वेज जी आहे, ठीकु आहे, लैटिन लैंग्वेज, हे लातिनी ॿोली मां वरितल आहे, सेल्स कंपार्टमेंट, सेल जी माना आहे कंपार्टमेंट, कोई हिसो, जीके बायोस मीन्स लाइफ, ठीकु आहे, हे वरी जेको आहे जीके लिखियो अथऊं ग्रीक लैंग्वेज मां वरितल आहे, सॉरी जी आर ग्रीक हूंदो आहे, जीके खे हलो हिनखे छॾियोसि, बाद में ॾिसी वठंदासीं। बायोस मीन लाइफ, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे, लॉगस मीन डिस्कोर्स, माना उनखे खोलणु, सम्झणु। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गनलीज, सिंपली सेल जे बारे में पढ़णु या उनजे अंदरि उज़वनि जे बारे में पढ़ण खे असां सेल बायोलॉजी चवंदा आहियूं। हिस्टोलॉजी, ग्रीक वर्ड आहे हिस्टोस, माना टिशू, लॉगस मीन डिस्कोर्स, हुन जे बारे में ॼाणणु, खोले करे मतिलबु हुनखे सम्झणु, मतिलबु ॼाणणु, ठीकु आहे। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिशूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, चाहे जानवरनि जा हुजनि या ॿूटनि जा हुजनि, उन्हनि जे टिशू जे बारे में पढ़ण खे, सम्झण खे, इन्हनि जी शकलुनि जे बनावट जे बारे में पढ़ण खे असां हिस्टोलॉजी चवंदा आहियूं। ख़ासि करे हीअ स्टडी टिशूज़ लाइ ई हूंदी आहे। हाणे फिज़ियोलॉजी, ग्रीक वर्ड आहे फाइज़िस मीन नेचर,
माना कुदरत है, लॉगस मीन दिस कोर्स, लॉगस माना जानन, माना नेचर के बारे में जानन, फिजियोलॉजी नेचर के बारे में जानन, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के भी जानदार हजन उन्हें जो फंक्शंस के बारे में पढ़ंदास तो उन्हें चवंदास फिजियोलॉजी, तो उन कड़े भी तरीके जहाँ फंक्शंस थी था सकन, जो डाइजेशन आ वो पूरा डाइजेशन सिस्टम हों, उनमें कड़ा कम थन था, कड़ा अमल थन था, उन्हें बारे में पढ़ने के अस फिजियोलॉजी चवंदा हूँ। ये डाइजेशन वागू बया केतरा ही प्रोसेस हूँ जानदार में। टेक्सोनॉमी, टैक्सिस मीन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट नॉमस मीन नेम। टेक्सोनॉमी खास कर मतलब जानदार शयन के दर्जाबंदी करने लाए इस्तेमाल किया वो ही टर्मिनोलॉजी। द स्टडी ऑफ द रूल्स प्रिंसिपल्स ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार के नालो जान उन्होंने अलग ग्रुपन में रखन, उन्होंने प्रिंसिपल जान उन्होंने कायदा पैदा कर कड़े जानदार के कड़े अस ग्रुप में रखी सकूँ था, उन सारी स्टडी के अस टेक्सोनॉमी चवंदा। जेनेटिक्स, जेनेसिस ग्रीक वर्ड आ, जेनेसिस मीन डिसेंट माना अबो अबा डाडा जी हुंदा उनके डिसेंट चवंदा या एंसेस्टर्स भी चवंदा ओरिजिन, ओरिजिन भी असा चई था सकूँ माना जिता पह पैदा थे। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी विरासत, विरासत के बारे में पढ़ असके जी भी आदतू मिल पेरेंट्स का मिल चबो उन सारे प्रोसेस के चबो आ पेरेंट्स का अस तीन अचान वाला जी मॉलिक्यूल्स हूँ जिन जरिए अस पेरेंट्स या अबन डादन के जाहिर असमें आदतू ट्रांसफर थी पूरी स्टडी के चबो जेनेटिक्स, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। डेवलपमेंट बायोलॉजी, एम्ब्रियन ग्रीक वर्ड आ एम्ब्रियन माना है एम्ब्रियो, लॉगस मीन डिस्कोर्स। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ के चाहूँ डेवलप एम्ब्रियो ठहंदो उन अगते वधंदो इन्फेंट ठहंदो आखिर में बेबी ठहंदो इन सजी जे बारे में इन प्रोसेस के बारे में स्टडी के चवंदा आयो डेवलपमेंटल बायोलॉजी। हाँ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर अफेक्ट्स ऑन ईच अदर। एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो ताल्लुक हों ऑर्गेनिजम ए नॉन लिविंग माना जानदार गैर जानदार के विच में कुछ फैक्टर्स हों जो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स उन जानदार गैर जानदार पा में अमल जो उन पूरी स्टडी के चंदा एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। हाँ पुराना जी मिसाल तो वो डायनासोर जो जो इन वक्त अस मिले अस वन जंगलात में वासी उत अक्सर कर बायोलॉजिस्ट हूँ जूलॉजिस्ट हूँ उ खोटाए कहें उन डायनासोर्स जहा धरती में कुछ हडा भी मिले मिलंदा रहंदा तो उनके चवंदा फॉसिल। लखे सवें साल पे जी जानदार हूँ हुआ चाहे वे जानवर हुजन या कड़ा भी जानदार हुजन तो उन पुरानी पयल शे अस खोटे कढ़ या किथा भी अस मिलन उनके फॉसिल्स चवंदा उन बारे में पढ़ने के अस चवंदा पैलेंटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेटिंग ऑफ जीन टू ब्रिंग चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो मतलब आ तो अस कें भी इतने जो डेफिनेशन है इन के मुताबिक बुधा कें जो भी अस जीन खड़ी उनके अस मैनिपुलेट क्यों उन लोकेशन के असा चेंज करे बे कें क्रोमोसोम में रखूँ बे कें क्रोमोसोम में रखूँ वो अगते हली पाँजो असर दिखारे जीन उन मां असा कोई फायदो वठी सकूँ चाहे फायदो न भी वठी सकूँ पर उनके चेंज करे असा भी कोई नई शय ठाए छूँ तो उनके असा चवंदासे बायोटेक्नोलॉजी या वो कैरेक्टर असा बे कें इंसान में ट्रांसफर क्यों तो उनके असा बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी चवंदा। सोशियो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जी अस बिहेव क्यों था कदें गुस्सो हों कदें खुशी महसूस चाहे वह जानवर में हो कड़े भी जानदार में हो
त हुनखे असां सोशियो बायोलॉजी चवंदा आहियूं. एग्ज़ाम्पल इंटरेक्शन बिटवीन देम सेल्वेस. पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. पैरासाइट्स जी मतिलबु उहे नंढड़ा जानदार, उहे जानदार जेके ॿिए कंहिं जानदार जे कंहिं उज़वे में अंदरि रहनि, उनजे माना कंहिं बि जानदार हिसे जे बॉडी हूंदी आहे न पूरी, उनजो कोई बि जानदार हिसो हुजे उनजे अंदरि रहनि, उते ई खाधो खाइनि, उते ई पंहिंजी पालना कनि, त उनखे असां पैरासाइट्स चवंदा आहियूं. त उनजे बारे में पढ़ण खे असां पैरासाइटोलॉजी चवंदा आहियूं. थैंक यू.